छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुकुदुर में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक पिकअप वाहन पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई। बैगा आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। बापानी के पास खाई में पिकअप जा गिरी। पिकअप में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी कुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह मामला पंडरिया से कुकदुर थाने का इलाके का है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुन आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने इनकी सूचना पास के पुलिस थाने को दी। सूचना मिलने पर पहुंची थाने की पुलिस ने आला अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को पिकअप के नीचे से निकालना शुरू किया। कुछ देर बाद अन्य थानों के पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और सभी घायल मजदूरों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे में अभी तक 15 मजदूरों की मौत की बात सामने आ रही है। वहीं 20 से अधिक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप में सवार सभी लोग सेमहारा गांव के रहने वाले हैं। इस मौसम में ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करते हैं। सोमवार सुबह करीब 40 महिला पुरुष बैगा आदिवासी पिकअप में सवार होकर जंगल तेंदुपत्ता तोड़ने गए हुए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाहपानी गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 20 फीट गड्ढे में गिर गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया।